गाइस वेलकम बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सारे? आई होप आप सारे बहुत ज्यादा अच्छे हो गए। तो आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं मैं रोया ट्रैक जो गाया है यासर देसाई एंड तनवीर ने, एंड इस ट्रैक के अंदर जो फीचर कर रहे हैं रोहित एंड आकांक्षा। आकांक्षा का तो मैं नाम जानता हूँ, उनका आकांक्षा भी नाम है उनका। एंड देखते हैं कि यार इनकी जोड़ी कैसी जमेगी, मतलब रोहित के साथ में आकांक्षा होगी। सो उसके लिए तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड दोनों की एक्टिंग का लेवल बहुत अलग है। एंड रोहित को तो यार सारे इंस्टाग्राम से जानते होंगे या फिर टिकटॉक से भी उनके बहुत सारे फैंस जुड़े होंगे पहले के, तो वो उनको वहां से भी जानते होंगे। तो करते हैं सॉन्ग को स्टार्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, आप इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, मिसिंग है, ढूंढ रहा है रोहित। I love this track, man. मैंने ट्रैक सुना हुआ है। बाहों में अब मेरी दुआओं में किस बात की है ये सजा, तेरे जाने के बाद किया हर पल याद किया ना कहीं पे सको, दो साल पहले। ओके, दे आर कपल्स मैन। दो साल हो गए उस लड़की को गए हुए, कब तक ढूंढता रहेगा उसको ये? काली काली रातों में गिनता हूँ सितारों को, तन्हाई में मैं रोया गले लगा दीवारों को। काली काली रातों में गिनता हूँ सितारों को, तन्हाई में मैं रोया गले लगा दीवारों को। डैम रोहित की और एक्टिंग। Literally man, goosebumps.
सो गाइस ये था ट्रैक एंड ट्रैक तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था यार, मतलब लिटरली इसने इमोशनल कर दिया और इतना ज़्यादा कनेक्ट कर रहा हूँ ना इस ट्रैक से मैं, बिकॉज इसके जो वीडियो इन्होंने कंसेप्ट जो इसका वीडियो का बनाया है ना वो इतना ज़्यादा प्यारा था। एक तो ऊपर से यार इन दोनों की जो जोड़ी इसके अंदर हमारे को देखने को मिल रही है ना, ऐसा लग ही नहीं रहा कि फर्स्ट टाइम मतलब इकट्ठे आए हैं। एंड रोहित ने जो अपनी परफॉर्मेंस इसके अंदर दिखाई है लिटरली दिल जीत लिया उन्होंने यार, मतलब मैं बिल्कुल यार उनके इमोशंस से बिल्कुल कनेक्ट कर पाया था। एंड जो उन्होंने पूरा एक्ट दिखाया कि जैसे वो पागल हो गए हैं, मतलब उसके पीछे मतलब ढूंढ भी रहे हैं उसको, एंड लास्ट में वो सामने ही खड़ी है भाई, मतलब यार पकड़ा भी देते हाथ में, एंड देख रहे हो मतलब बंदे की हालत क्या हो चुकी है। सो वो मोमेंट यार कसम से हर एक बंदे को इमोशनल कर गया होगा मेरे हिसाब से जिसने इस ट्रैक को सुना होगा। एंड ये ट्रैक मैंने बहुत पहले सुन रखा था एंड मेरे को ट्रैक काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है। एंड उसके साथ उन्होंने जो वीडियो कंसेप्ट भी बनाया एंड जासर देसाई एंड तनवीर की वॉइस इस ट्रैक को मतलब अलग लेवल पे ले जाते हैं। आपकी क्या राय है इस ट्रैक के ऊपर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड इसके विजुअल्स इसके सिनेमाटोग्राफी काफ़ी ज़्यादा सही थी, जो इसका एक्शन सीन्स भी लिए इन्होंने और जो कलर ग्रेडिंग थी इनकी मतलब कलर की थीम इन्होंने बहुत प्यारी रखी है इसकी, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं लगी। कंपोजिशन इसकी सही थी, म्यूजिक इसका इतना ज्यादा प्यारा था, एंड जब ये लाइन आती थी मैं रोया तो यार मैं तो वहां पे उस टाइम पे इमोशनल हो ही जा रहा था। सो इस ट्रैक के लिए जितने भी प्यारे प्यारे वर्ड्स बोल लोगे ना उतने भी कम है उसके लिए। एंड आपको इन दोनों की जोड़ी कैसे लगी यार, मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आए दोनों। एंड मैं तो चाहता हूँ यार ऐसा कभी किसी के साथ ना हो यार, सारे इकट्ठे रहो भाई मतलब खुशी से, मतलब एक दूसरे के साथ मजे करो एंजॉय करो लाइफ। एंड आई होप सबको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को भी लाइक कर देना। ऑल द तनवीर एंड जासर देसाई एंड रोहित एंड काइशा फैंस हिट द सब्सक्राइब बटन इफ यू लाइक द वीडियो। सो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, रब रखा।